हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्विटर पे एक नया अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप ट्विटर पे अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ट्विटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ट्विटर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब हमें नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, तो चलिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले हमें अपने नाम को इंटर करना है, तो चलिए नाम को इंटर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने नाम को इंटर कर लिया और मेरा नाम वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन है फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस का। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ़ोन नंबर से अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ फ़ोन नंबर इंटर करना पड़ेगा। अगर आप ईमेल आईडी से अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर के द्वारा अकाउंट को बनाऊंगा, तो चलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर कर लेते हैं। फ़ोन नंबर से बनाते समय आपको ध्यान रखना कि आपका कंट्री कोड यानी +91 आपको ज़रूर से इंटर करना है। अगर आप अपने फ़ोन नंबर से पहले +91 कोड नहीं लगाएंगे तो आपका फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने फ़ोन नंबर को इंटर कर लिया और मेरा फ़ोन नंबर एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे डिटेल को यहाँ पे फिल कर लिया, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस का, तो आपको यहाँ पे फिर से आपको एक बार नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेरा शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें साइनअप पे क्लिक करके एक नया अकाउंट बना लेना है, तो चलिए साइनअप पे क्लिक करते हैं। साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई फोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे नंबर पे एक ओटीपी जाएगा एसएमएस के माध्यम से, उस ओटीपी को हमें इंटर करना पड़ेगा और हमारा नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका फोन नंबर गलत हो गया, आप अपने फोन नंबर को बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया और मैंने ओटीपी को इंटर कर लिया। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए यहाँ पे एक पासवर्ड बना लिया जाता है। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद से जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बना के आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पासवर्ड को भी बना लिया, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए यहाँ पे हम एक प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेगा, चाहे हम गैलरी से फोटो चूज कर सकते हैं या आप हम कैमरे से फोटो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे गैलरी से फोटो चूज करके प्रोफाइल पिक्चर को सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे चूज एक्साइटिंग फोटो पे क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे फोन की गैलरी ओपन हो गई। यहाँ से हम पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें प्रोफाइल पे लगाना है। तब यहाँ से हम प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे हम क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्राइब योर सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको अपने बायोडाटा लिखना है, तो फ्रेंड्स आप अपने बायोडाटा में जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला सीन कॉन्टेक्ट, दूसरा है नॉट नाउ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी ट्विटर चलाते हैं उनका अकाउंट आपके अकाउंट में शो करे, तो आप यहाँ पहले ऑप्शन सीन कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप यहाँ नॉट नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे नॉट नाउ को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ नॉट नाउ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आपको ट्विटर पे किस तरह का कंटेंट चाहिए। अगर आप नहीं चूज करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ट्विटर अकाउंट मिलेगा जिसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें आईडी पासवर्ड गूगल पे सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप चाहे गूगल पे सेव कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे अपना आईडी पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप गूगल पे सेव नहीं करना चाहते तो आप यहाँ नॉट नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे गूगल पे सेव कर लेता हूँ, तो सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गो 8 पे क्लिक करना है। गो 8 पे क्लिक करने के बाद आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक नया ट्विटर अकाउंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपको नया अकाउंट बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।